नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग बनारस आ चुके हैं महादेव की नगरी में और कल हम लोग दीप उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। तो और इसके बाद हम लोग आज जा रहे हैं गंगा आरती अटेंड करने। हम आपको पूरी गंगा आरती की कवरेज दिखाएंगे, आप देख सकते हैं जैसे। और इसके बाद हम लोग चलेंगे सेठ सिंह घाट पे, जहाँ पे प्रोजेक्टिंग स्लाइड लग रही है और उस स्लाइड को भी कवर करेंगे। और इसके बाद गंगा जी की आपको पूरी प्रोजेक्शन दिखाएंगे। और अभी कल के लिए सारी तैयारियाँ हो चुकी है, दीपदान के लिए दीप लग चुके हैं। इसके बाद आपको कल से कनेक्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी तैयारी चल रही है और मुझे भी इस वक्त सौभाग्य बिछाने का। नमस्कार दोस्तों, आज देव दिवाली का दिन है और हमारा बनारस में आज दूसरा दिन है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी तैयारियां हो चुकी है, देव दीपावली की रंगोलियों की तैयारी हो चुकी है, दिए सज चुके हैं और दिए लगा भी जा चुके हैं। अब इसके बाद ये कवर करने के बाद हम आपको कॉरिडोर भी ले चलेंगे, क्योंकि कॉरिडोर भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सजा हुआ है। एक कॉरिडोर का कवरेज हो जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे आतिशबाजी भी, जो गंगा के उस पार होगी, ठीक है। और आप गंगा के उस पार भी देख सकते हैं सारी तैयारी हो चुकी, योगी जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और गंगा के उस पार सारी तैयारी आतिशबाजियाँ होंगी जो कि कवर करेंगे अभी आधा एक घंटे बाद। अभी दिए जल जाते हैं, वो हम कवर कर लेंगे और उसके बाद आपको देखेंगे दुल्हन की तरह पूरी बनारस सजा हुआ है। अब दोस्तों अभी इस वक्त हम लोग मणिकर्णिका घाट के बगल में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे दीप सारे जल चुके हैं धीरे से। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे गंगा द्वार की तरफ। दोस्तों इस वक्त हम लोग मणिकर्णिका घाट पर हैं और जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे 24 घंटे चिता जलती रहती, कभी शांत नहीं होती है। यही आज यही अंत।
दोस्तों घाट पे आतिशबाजी ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त हम लोग होटल की ओर अपने आ चुके हैं। और मुझे याद है कि कल मैंने आप लोगों को अपना होटल दिखाना भूल गया था, काफ़ी बजट में होटल लिया है इस बार, शांति गेस्ट हाउस। और इस बार रूम हमको मिला है करीब 4th फ्लोर पे चढ़ के, काफ़ी छोटा है, मतलब बजट में रूम मिल गया है। एक रूम हमको इस वक्त यहाँ पे सब पीक टाइम पे तो वैसे भी 1200 मिल रहे थे, पर मुझे मिल गया है, बहुत छोटा रूम है, चलिए आपको दिखाते हैं। 800 में मिला है रूम। वैसे काफ़ी स्पेल रखा हुआ रूम में, इतना ही छोटा सा है, और बाथरूम से काफ़ी बड़ा है, रूम से बड़ा बाथरूम है। 800 में अगर सिर्फ रात को सोना पड़े तो ये ठीक ही है। दोस्तों बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोग पढ़ ली थी, पराठा वाली गली में आए, कचौड़ी गली में, और हमने लिया है अपने पनीर का दो पराठा ऑर्डर किया, साथ में सब्जी ऑर्डर किया, बन रहा है, रेडी हो रहा है। दोस्तों आज बनारस में हमारा तीसरा दिन है और इस वक्त हम लोग कॉरिडोर में आए महादेव दर्शन करने। कल देव दीपावली हमने संपन्न कर ली थी और इस वक्त हम लोग महादेव के दर्शन करेंगे, यहाँ से प्रसाद उठाएंगे महादेव का और दूध भी चढ़ाएंगे महादेव को। तो चलिए लेते हैं अपना प्रसाद महादेव। 100 ग्राम 250 ग्राम वाला 3 कर दीजिए, इसी भी छोटा आता है क्या? इतना ही बड़ा रहेगा? और नहीं दोस्तों दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और इसके बाद हम मसाले के। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग विशालाक्षी मंदिर के बगल में है गौतम रुद्राक्ष में, और ये काफ़ी पुरानी मंदिर, प्राचीन मतलब समझ लीजिए मंदिर के बगल में ये दुकान 50 से 60 साल पुरानी दुकान है। हमारा व्यापार 1970 से, हम रजिस्टर्ड 1995 से हैं। ओके, और मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ये हमारी दुकान गौतम रुद्राक्षा के नाम से है, हमारा व्यापार 1970 से है और हम 1995 से रजिस्टर्ड है। हमारे पास हर तरह के रुद्राक्ष, जेमस्टोन, सालीग्राम, मिर्कुरी आइटम्स मिलते हैं और ग्लोबली शिपिंग कराता हूँ। सो आपको किधर भी होना, क्या भी होना, कोरियर भेज दूंगा। हम 6 लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज से आप बात कर सकते हैं। आप हमारे पास रुद्राक्ष की वैरायटीज़, कोई डिफरेंट फेस हो, 1 मुखी 2 मुखी 10 मुखी 20 मुखी सारे मिल जाएंगे। इवन द ट्विंस रुद्राक्ष, विच इज़ नोन एज गौरी शंकर, वो भी मिलेंगे। सिंगल फेस के हाफ मून रुद्राक्ष मिलेंगे। जेम स्टोन्स में क्या होना, वो सारे मिलते हैं, 9 नवरत्न का स्टोन्स वगैरह, सेमी प्रीसियस स्टोन्स सारे मिले। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं रुद्राक्ष के लिए अगर ढूंढने जाओ तो जल्दी मिलते नहीं है। मैं करीब यहाँ से 2017 से रेगुलर लेते जा रहा हूँ रुद्राक्ष, तो अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए ओरिजिनल क्वालिटी का, इसमें क्या टेंशन ना रहे, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि 5 मुखी रुद्राक्ष है और ये भी 5 मुखी रुद्राक्ष है, ब्लैक में, ब्राउन में, या इवन मैं जो पुराना पहन के रखा हूँ ये रुद्राक्ष भी इनके यहाँ से है। और करीब जितने भी मेरे दोस्त हैं यार, उनको सब यहीं के रुद्राक्ष सजेस्ट करता हूँ। और भी वैरायटी है जो कि मैं ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं लेना, अगर ओरिजिनल के लिए चाहिए तो वो देख सकते हैं यहाँ से कि क्या लेना उनको पसंद करते हैं। भाई जरा कुछ डिटेल बता दो, बहुत ज़्यादा बिकती हो चीज़ें यहाँ पे। हमारे यहाँ नेचुरल रुद्राक्ष, जेमस्टोन, सालीग्राम, मिर्कुरी आइटम्स मिलते हैं, सारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड मिलेंगे और वर्ल्ड वाइड शिपिंग है। आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। हमारा नंबर ये है, मैं आपका नंबर, फर्स्ट नंबर, इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। और मुझे कुछ ये स्फटिक के बारे में डिटेल दे सकते हैं कि कितने की पड़ेगी अगर आपके ये देखिए तो। नेचुरल स्फटिक की वैरायटीज है, इसकी हार्डनेस 6.5 से 7 आती है। हाँ। ये क्वार्ट्ज स्पेस फैमिली में फॉल करता है, हेक्सागोनल होता है, इट इज फुल ऑफ सिलिकेट्स। तो इसको पहनने, इट हैज आल्सो पायरोइलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टीज, सो आप इसको जब रब कीजिएगा तो स्पार्क करता है, और इसको जब आप पहनिएगा तो ये ओवर हीटिंग रिड्यूस करता है, मेंटल स्ट्रेंथ देता है और आपकी बॉडी ऑरा जो है उसको क्लीन करता है। इसको स्फटिक बोलते हैं और इसमें बहुत सारी स्पेसिज होती है, बहुत सारी फैमिली वैरायटीज होती है। तो कुछ एक दो के वैरायटीज के बारे में बता दीजिए क्या कॉस्ट पड़ेगी। ट्रांसपेरेंट है। हाँ? इसकी कॉस्ट आपको 1000 से लेकर 3000 के बीच में आती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट वैरायटी है और ये कम ट्रांसपेरेंट वैरायटी है। हाँ? ये सस्ता होता है, बिलो 1000 आता है। इसमें हमारे पास राउंड में मिल जाएगा, कटिंग में मिल जाएगा, ओवल में मिल जाएगा, जैसा होना मिलेगा। इसके रफ स्टोन के साथ साथ इसके आइडल्स और माला है, इवन द जेम स्टोन्स के जो पोलकी वगैरह बनाते हैं उनके लिए रफ बीड्स होना, वो भी मिलेगा। ओके, और जैसे कि स्फटिक के स्वेलिंग है ये कितने का पड़ेगा? ये 6500 का आएगा। ओके ठीक है, ये क्या है? ये सालीग्राम, गंडकी नदी से आता है और ये
100% नेचुरल है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। हाँ, तो इसमें जो चक्र वगैरह बने हैं ये नेचुरली आए हुए हैं। ओके, और जो ये इंडिया के गंडकी नदी में आता है इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारा डिवोशनल पीस होता है। और अगर यही हम यूएस वगैरह के कहीं से जो फॉसिल्स बोलते हैं वो आते हैं ना, उसमें उनकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो इसको करते क्या, मतलब घर में ये जैसे शंकर जी का एक सिंबल होता है शिवलिंग, हाँ? उसी तरह से विष्णु जी का होता है शालिग्राम, उनके चक्र को ये दर्शाता है। इसमें बहुत वैरायटी होता है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नरसिंह, मत्स्यावतार, कुर्मावतार, हयाग्रीवा, अनंत शिला, गोपाल संतान और भी बहुत सारे, वो सारे हमारे पास मिलेंगे। एक तो शिवलिंग होता है जैसे कि मैं ये देख सकता हूँ रखा है, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अच्छा, ये नर्मदेश्वर है और ये शालिग्राम है। ठीक है, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ये शंकर जी का होता है। ठीक है, आपको हमारे पास नर्मदा शिवलिंग मिल जाएंगे, स्फटिक के शिवलिंग मिल जाएंगे, मरकत में मिल जाएंगे, लैपिस लेजुली, सोडा लाइट, अमेथी, सिट्रीन, सारे जितने वैरायटीज आते सारे मिल जाएंगे। और इसकी क्या कॉस्ट आएगी, कितने इंच, 5 इंच का होगा मेरे हिसाब से? ये 4 से 5 इंच है, डिपेंड्स क्वालिटी। ये क्वालिटी 300 में आता है, इसमें अच्छा क्वालिटी सेम साइज में लीजिएगा 2000 तक जाएगा, उसमें कलर्स वगैरह सारे मधु कलर आएंगे। ठीक है, और ये क्या रखा बता सकते हैं? ये कोरल है, कोरल इसको पगड़म बोलते हैं, पवड़म बोलते हैं, हावड़ा बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। ये समुद्र से आता है। अच्छा, ये नेचुरल कोरल है, नेचुरल कोरल है। इसके मूंगा का बोलकर एक रिंग भी स्टोन पहनते हैं ना, मंगल के लिए, मार्स के लिए। अच्छा, ये मंगल के लिए से। हाँ, ये नवरत्न है, 9 प्लैनेट स्टोन, 9 ग्रह शांति के लिए कोई भी पहनता है, ये नवरत्न की है। इसमें सारे नेचुरल आते हैं, कोई सिंथेटिक रिकंस्ट्रक्टेड मैन मेड इमिटेशन लैब ग्रोन स्टोन हम लोग यूज नहीं करते, सारे नेचुरल। इसकी क्या कॉस्ट होगी? ये 6000 से स्टार्ट करते हैं, 6000 से स्टार्ट करते हैं। आपको 6000 लेकर के 3 लाख तक हमारे पास वैरायटी मिल जाएंगे। और ये आपने राधा कृष्ण की मूर्ति रखी, ये किस मेटल की है? पीतल की मूर्तियों में व्यापार करते हैं। हाँ। जो हमारा कुंभकोणम तंजावुर से लेकर के अलीगढ़, मुरादाबाद, हर जगह से माल आता है और हर जगह हम लोग शिपिंग भी करते हैं। तो आपको हमारे पास एंटिक वैरायटी होना मिलेगा, इस फिनिशिंग में होना मिलेगा, ब्लैक एंटिक में होना मिलेगा, सारे वैरायटीज मिल जाएंगे। हमारा वाराणसी में 4 छोटा-छोटा स्टोर है, बट ग्लोबली हम सप्लाई करते हैं और आपको सारे वैरायटीज मिल जाएंगे। और रुद्राक्ष की माला में अगर कोई छोटी माला, जैसे अगर इससे भी छोटी माला लोग पसंद करते हैं तो काफ़ी छोटी मिल जाएगी। जैसे कि मेरी मम्मी भी कहती है ऐसे बड़ी माला नहीं पहननी होती, उनको छोटी माला पहननी होती है, तो वो मिल जाएगी आपके यहाँ? सब मिल जाएंगे, छोटी रुद्राक्ष की माला। ये फाइन क्वालिटी का है, इसका प्राइस 2000 के अप्रॉक्स में जाएगा, डिपेंड साइज, जितना छोटा लीजिएगा रेट बढ़ता जाएगा। अच्छा, जितना बड़ा लीजिएगा रेट कम होता जाएगा। अच्छा, जैसे ये बड़े बड़े हैं भद्राक्ष की तरह, तो इनकी कॉस्ट देखिए भद्राक्ष की तरह बोलते हैं, बट ये सारे रुद्राक्ष ही होते हैं, सारे रुद्राक्ष है। और सारे ऑर्गेनिक, सारे पेड़ से आए हुए बीज ही है हमारे पास, आपको नेपाल, इंडोनेशिया, हर जगह के रुद्राक्ष। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीतल भी जड़े हुए रुद्राक्ष, आप चाहे इनको तो भी ले सकते हैं, काफी अच्छे। और यहाँ पे नंदी महाराज है। अच्छा, ये नंदी महाराज क्या कॉस्ट होगी? मैं सोचा था 1500 के आसपास। ठीक है, हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, मैंने जेन्युइन बताया है, आप कहीं मार्केट में चेक कर सकते हैं, आपको इससे सस्ता तो नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से, जेन्युइन चाहिए क्योंकि मैंने बहुत देखा है। ठीक है, आपकी सिर्फ भले के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आपको अच्छा लगता है आप एक बार मंगा के देखिए, क्योंकि जो मेरे अलावा से दोस्तों वो मंगा के जानते हैं, उनको पता है प्रयागराज के। बाकी आपकी मर्जी, आप आइएगा विशालाक्षी मंदिर, आप विजिट करिएगा, गौतम रुद्राक्ष देखिएगा, एक बार विजिट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ भैया का सबसे ज़्यादा अच्छा व्यवहार अच्छा है, कुछ भी कह दो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, आप किसी चीज़ से खुश होकर ना जाएंगे, व्यवहार से खुश होकर जाएंगे, एक बार मिल के जाए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव दोस्तों, हमने काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी भीड़ थी, लेकिन दर्शन काफ़ी आराम से हो गए हैं हमारा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए 3रा दिन हो चुका है, अब यहाँ से निकलने का, अलविदा कहने का समय आ चुका है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।